नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उन्नीस सरोज आईरा से डालता हूँ आज की कुछ खास खबरों पर। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। जहां देश भर में रविवार को संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती बड़े उत्सव के साथ मनाई गई। वहीं इसी कड़ी में भिवानी में भी शनिवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। भीमराव अंबेडकर ने दलितों व गरीबों के उत्थान के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। उन्होंने इसी संघर्ष के बदौलत उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। वहीं युवाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बुराइयों से दूर रहने और शिक्षित बनने का संकल्प लिया। आज हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्मदिन है, साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का भी हम कार्यक्रम जन्मदिवस मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही पूरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व रत्न हैं, पूरे विश्व में उनके नाम का डंका है। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री, समाज सेवी और पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने काम किया वो अस्मरणीय है। हम उनके ऋणी हैं। हमारा समाज जो उन्होंने हमारे लिए काम किया है, हमारे जीवन में जो सुधार आया है, हमें जो पेंट कोट मिला है वो बाबा साहब की देन है। आप बाबा साहब के जीवन को देखेंगे, बाबा साहब के जीवन काल में उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने समता, बंधुत्व, भाईचारा पर समाज के प्रत्येक जो वर्ग है, सभी जातियों के लोग, विशेषकर महिलाओं का जो उनका महिलाओं के विकास में उनका जो योगदान है वो अस्मरणीय है। बाबा साहब सभी के लिए हैं और किसी समाज, किसी जाति के नहीं हैं। उसी प्रकार ज्योतिबा फुले हैं जो आज समाज के अंदर जो शिक्षा का प्रसार है, ज्योतिबा फुले को पहला स्कूल खोलने का श्रेय भारत के अंदर जाता है, वो राष्ट्रपिता हैं, इसलिए हम उनको आज याद कर रहे हैं। आज हमने बाबा साहब के 128वें जन्मोत्सव पर पुष्प अर्पित किया है, उसको जन्मदिन के ये प्रण लिया है कि हम उनके पर चिन्हों पर चढ़ कर हमारी सोसाइटी आगे और बहुत कुछ काम करेगी। बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज के समय में युवा को ये जो है उनको पढ़ाई के मामले में आगे रहना चाहिए और एक एक इकट्ठे रहना चाहिए। आजकल जो बुराइयां चल रही है उनको उनका बैठ कर एक युवा पीढ़ी को एक समाधान ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले जो युवा है उनका कभी किसी मुझे ऐसी मतलब परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। भिवानी से साहिल गिद्धर की एक रिपोर्ट।